देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से देश के लोगों को उम्मीद थी कि वो वैक्सीनेशन सबको फ्री कराएंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की कि 18 से 45 साल के युवाओं को राज्य सरकार अपने खर्चे के ऊपर वैक्सीन कराए, केंद्र सरकार मुफ्त में वैक्सीन नहीं देगी, तो पूरे देश के युवाओं को झटका लगा। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मांग की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि प्रदेश के राजस्थान में प्रदेश के युवाओं को सुरक्षित रखने के लिए, कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए उनको वैक्सीनेशन सरकारी खर्चे पे कराई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 18 से 45 साल के प्रदेश के युवाओं को वैक्सीनेशन फ्री करने का जो ऐलान किया है, जो ऐतिहासिक निर्णय किया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राजस्थान की 7 करोड़ से ज्यादा बहादुर जनता उनके फैसले का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और मुख्यमंत्री जी ने अब साबित कर दिया है कि वो ही व्यक्ति सोच सकता है जो सब सर्व समाज के लिए और सबके लिए, जिसके मन में सेवा भावना हो। मैं समझता हूं आज का जो ऐतिहासिक फैसला है वो सभी लोगों के लिए बहुत ही सुखद के पल है कि इस कोरोना संक्रमण में सब लोग भयभीत थे, 18 से 45 साल के प्रदेश के युवा अब वैक्सीनेशन फ्री कराएंगे, राज्य सरकार उसका खर्चा वहन करेगी। प्रदेश के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आने पर वैक्सीनेशन कराएं, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कि आपने ये बहुत ही अच्छा फैसला प्रदेश की जनता के हित में लिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सारी समस्या को समाधान बिल्कुल 100% करांगा, बड़ा काम है, यह भी दिखा देंगा, लेकिन सारी गल गोविंद सिंह डोटासरा को टेलीफोन आओ, अब ठीक है, एक बार यह सोचा है कि वो बिगड़ वो काम बिगड़े से आमना में एक होनी मारे मना तो थे हो, लेकिन सामना में एक होनी मगर ये